आज 8 नवंबर है और भारत के दिशाहीन प्रधानमंत्री ने आज ही के दिन आज से 4 साल पहले एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने इस देश का इतिहास ही नहीं, इस देश का भूगोल ही नहीं, इस देश का पूरा तंत्र, चाहे अर्थतंत्र की बात करें, चाहे काम तंत्र की बात करें, चाहे दाम तंत्र की बात करें, चाहे नोट तंत्र की बात करें, पूरा तंत्र बदल करके रख दिया। एक तरह की ऐसी दिशाहीन मिसाइल थी नोटबंदी का फैसला, जिस मिसाइल से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था गर्त में गई बल्कि न जाने कितने मजदूरों की, कामगारों की रोजगारी के ऊपर संकट आया, न जाने कितने लोग नोटबंदी के दौरान बैंकों में पैसे के लिए, अपने ही पैसे के लिए कतारों में लग करके तिल तिल मरने को मजबूर हुए। इसी तरह का लबोलुभाव ये है, नोटबंदी के बारे में सारी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, और कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, हम लोगों ने इस निर्णय का पुरजोर विरोध किया और हमेशा इतिहास में भी इस निर्णय का पुरजोर इस देश की जनता, इस देश के राजनीतिक दल विरोध करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ऐसे महानुभाव बहुत सारे बैठे हुए हैं जो इस फैसले का विरोध करते हैं। खैर, ट्रंप साहब की विदाई कल अमेरिका से हो गई है, वहां नया नेतृत्व अमेरिका को आगे लेकर के जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर एक आत्मविश्वास सा जगह है। जहां तक राजनीतिक बिरादरी का सवाल है तो हिंदुस्तान के भीतर भी एक नया विश्वास जगह है कि जिस तरीके से अमेरिका की जागरूक जनता ने वहां के बहुत ही एक तरह का, मैं बड़ा कड़ा शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, कि कट्टरपंथ समर्थक ट्रंप को वहां से विदाई दी है, उसी तरीके से हमारे देश का निजाम भी बदलेगा, हमारे देश का नेतृत्व बदलेगा और देश के अंदर अलग तरह से एक अलग तरह की दिशा इस देश को मिलेगी, एक अलग तरह का तंत्र इस देश को मिलेगा, ताकि इस देश का जो विकास और जो विजन दिशाहीन हो गया है उसको फिर से दिशा मिलेगी और हम एक नए भारत का निर्माण करने में सक्षम होंगे। और उस दिन का इंतजार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे देश के आम लोग कर रहे हैं। बिहार से इसकी शुरुआत हो गई है। जय हिंद।